सेवन स्किल्स टू सक्सीड इन वेस्टीज। सबसे पहला स्किल प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से आप कनेक्शंस बिल्ड करते हैं, नए रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं नए लोगों से, और इन्हीं लोगों के साथ फ्यूचर में आप अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं। आपने लीडर्स से ये जरूर सुना होगा, प्रोस्पेक्टिंग इज द की टू सक्सेस। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको प्रोस्पेक्टिंग अच्छी तरह सीखनी होगी। यदि आपके पास नए कनेक्शंस होंगे, नए लोग होंगे, नए प्रोस्पेक्ट होंगे, नए गेस्ट्स होंगे, तो आप इजीली उनके साथ बिजनेस शेयर करके अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। यहाँ तक कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करते हैं उसकी मदद से भी आप ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे प्रोस्पेक्टिंग किस तरह की जाती है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्किल नंबर टू, इन्विटेशन। जब आप प्रोस्पेक्टिंग कर लेते हैं उसके बाद आप इन्वाइट करते हैं लोगों को जिनके साथ आपने कनेक्शन बिल्ड किया है, और इन्हीं लोगों को आप अपने बिजनेस इवेंट या फिर प्रोडक्ट इवेंट या फिर सेमिनार्स में इनवाइट करते हैं, और वहीं आपका फर्दर इंटरेक्शन होता है। स्किल नंबर थ्री, प्रेजेंटिंग। इस स्टेप में आप अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। इसके लिए आपको अपने कंपनी का पूरा प्लान, सभी प्रोडक्ट्स और अन्य जानकारी अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको वेस्टीज के प्लान, प्रोडक्ट और अन्य जानकारी चाहिए तो उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस इन्फॉर्मेशन को आपको सही तरीके से सीख के अपने प्रोस्पेक्ट को प्रेजेंट करना है। अगर आपने ये बिजनेस नया नया ज्वाइन किया है तो आप अपने अपलाइन की भी मदद ले सकते हैं। प्रेजेंटेशन देते वक्त आप 3 P's का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 P's होते हैं प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल में आप अपने कंपनी की पूरी प्रोफाइल बता सकते हैं, उसका बैकग्राउंड, उसकी पूरी जर्नी, कितना टर्नओवर गया है एक्सेट्रा। प्रोडक्ट्स में आप अपने कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में शॉर्ट में जानकारी दे सकते हैं, और प्लान में आप अपने कंपनी का इनकम प्लान डिस्कस कर सकते हैं। तो आपको इन 3 P's पे जरूर फोकस करना है व्हाइल गिविंग योर प्रेजेंटेशन। स्किल नंबर 4, फॉलोअप। फॉलोअप में आप अपने प्रोस्पेक्ट के सभी डाउट और कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। जिस दिन आपने प्रेजेंटेशन दी उसके 24 घंटे के अंदर अंदर आपको अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करना होगा। आपको अपने कंपनी की सारे अचीवमेंट्स बतानी है, अचीवर्स के पे आउट के फोटोज दिखा सकते हैं। आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ कार बुक भी शेयर कर सकते हैं या फिर लीडिंग लेडीज बुक। कार बुक और लीडिंग लेडीज बुक में आपको कंपनी के अचीवर्स की जर्नी और सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। बेसिकली फॉलोअप में आप अपने प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर करते हैं कि उन्हें क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। इसी के साथ अगर उनका कोई डाउट या कंफ्यूजन है उसे भी आप हैंडल कर सकते हैं। फॉलोअप में आपको प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर का भी ध्यान देना है, यानी कि अगर आपके प्रोस्पेक्ट को ट्रैवलिंग पसंद है तो आप कुछ ऐसे टेस्टिमोनियल्स दिखाइए जहां पे वेस्टीज के अचीवर्स ट्रैवल कर चुके हैं, तो आप उन्हें वेस्टीज के अचीवर्स जो कि अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल कर चुके हैं उनके पिक्चर्स दिखा सकते हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं। यदि कोई प्रोस्पेक्ट अर्निंग में ज्यादा फोकस्ड है तो आप अपने कंपनी के टॉप अचीवर्स के पे आउट दिखा सकते हैं, आप उन्हें एक अर्निंग पोटेंशियल शो कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आपका क्लोजिंग आपके फॉलोअप पे ही डिपेंड करता है। फिफ्थ स्किल इज क्लोजिंग। आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, आपने इन्विटेशन दे दिया, आपने प्रेजेंटेशन दे दिया, आपने फॉलोअप कर लिया, तो इन सब के बाद होता है क्लोजिंग, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, क्योंकि क्लोजिंग से ही डिसाइड होता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट अब आपके साथ बिजनेस शुरू करने वाले हैं या फिर नहीं। इसी स्टेप में आप अपने प्रोस्पेक्ट की ज्वाइनिंग और परचेसिंग करवाते हैं। सही तरह से क्लोजिंग किस तरह की जाती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। सिक्स्थ स्किल इज ट्रेनिंग। जैसे ही आपके प्रोस्पेक्ट ने आपके साथ ज्वाइनिंग कर ली उसके बाद शुरू होती है ट्रेनिंग। अब आपने जो भी ट्रेनिंग अटेंड की है सेम ट्रेनिंग आपको अपने प्रोस्पेक्ट को भी अटेंड करवानी है। जो भी कंपनी का प्रोफाइल है, बिजनेस प्लान है या फिर अन्य जानकारी है, ये सभी जानकारी आपको अपने प्रोस्पेक्ट को सिखानी होगी। आपको उन्हें कंपनी की ट्रेनिंग्स भी अटेंड करवानी होगी और अपनी टीम की भी। इसी के साथ आपको उनके साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। इसी के साथ साथ आपको उन्हें डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी है। ये इसलिए बिकॉज वो बिल्कुल नए हैं, उन्हें ज्यादा प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता कि कंपनी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगले महीने जब वो रीपर्चेस करें तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिनकी उन्हें रिक्वायरमेंट है पर वो ना खरीदे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ऐसे प्रोडक्ट्स कंपनी में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सभी नए प्रोस्पेक्ट को डिटेल प्रोडक्ट ट्रेनिंग दें। वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट्स को कवर करते हुए मैंने एक वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ आपको उन्हें बिजनेस ट्रेनिंग भी देनी है, जिसमें आप उन्हें सभी तरह के इनकम्स, सभी तरह के कैलकुलेशंस, ये सब उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करें। इस बिजनेस में एजुकेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
इसलिए हम कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में पहला होता है लर्निंग और फिर होता है अर्निंग। सेवेंथ एंड लास्ट स्टेप इज प्रमोटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट प्रमोटिंग। इस बिजनेस में आपको इवेंट्स को प्रमोट करना है, मीटिंग्स को प्रमोट करना है, अचीवमेंट्स को प्रमोट करना है, फॉरेन ट्रिप्स को प्रमोट करना है। जितनी भी चीजें आप प्रमोट कर सकते हैं उतनी ज्यादा चीजें आप प्रमोट कीजिए। जितनी अच्छी तरीके से आप प्रमोशन करेंगे उतने ज्यादा लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये थे वो 7 स्किल्स जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सीड होने के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वीडियो लिंक्स को भी आप जरूर देखें।